इसीलिए अगर आपके पास नैनो है तो ये वाली मॉडिफिकेशन मत कराना कभी भी। ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ये मेरे को सबसे ज्यादा वर्स्ट मॉडिफिकेशन लगी टाटा नैनो की, बाकी सारी तो जो इसमें हो रखी है सही है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी टाटा नैनो को लेके पहुंच रखा हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, तेल डलवाने के लिए लाया हूँ इसमें। वैसे तो वॉक करने आया था मैं, तो वॉक हो चुकी है कंप्लीट। वॉक करने में आया था लगभग 5:30 बजे के आसपास, तो एक घंटा हो गया वॉक करते करते। अब अपनी नैनो को लेके चलते हैं, इसमें तेल डलवाते हैं। और देखो यार इसमें ना अब इंजन चेक लाइट बंद हो चुकी है, अब गाड़ी ठीक हो गई अपने आप ठीक हो जाती है या फिर अपने आप खराब भी हो जाती है, पर अभी तो ठीक चल रही है। चलो अब चलते हैं। ये देखो भाप भी जम रही है सुबह के टाइम पे। अब वैसे मैंने एसी ऑन कर दिया है तो अब चली जाएगी है थोड़ी देर में, होने भी लग गई अब साफ। तो अब निकल चुका हूँ पेट्रोल पंप में जाने के लिए। और यार एसी ना इसका मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत कर रहा है अभी भी। चलो फिलहाल तो चलते हैं, इसमें तेल डलवा के आते हैं। Playing, really moves, like Lose, तो अभी फिलहाल तो एसी मैंने इसका ऑन कर रखा है, अभी तो सही चल रहा है। बाकी देखते हैं अब कब तक सही चल पाता है, थोड़ी टेस्टिंग कर लेता हूँ इसकी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और आज संडे है तो रोड खाली खाली से हो रखे हैं सुबह के टाइम पे, इसीलिए और ज्यादा मजा आ रहा है इसे चलाने में। पहले घर के पास वाले पंप में चल के देखता हूँ, अगर वहां डल जाएगा तेल तो सही है, और हवा भी डलवानी है इसमें वरना फिर थोड़ा दूर जाऊंगा। तो अब पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के मॉल रोड पे। ये देख लो सेलेक्ट सिटी वॉक है, ये यहीं से जाना है मेरे को तेल डलवाने के लिए। तो अभी एक पेट्रोल पंप में गया था लेकिन वहां मेरे को हवा नहीं मिली, तो मैंने वहां से तेल नहीं डलवाया क्योंकि इसमें हवा भी डलवानी है, बहुत टाइम हो गया हवा नहीं डलवाई, इसीलिए अब दूसरे पेट्रोल पंप में चलते हैं, वहां से हवा भी डलवा लेंगे और तेल भी डलवा लेंगे। पर इस टाइम यार मजा आ रहा है इसे चलाने में और आज सही चल रही है, आज मिसिंग नहीं कर रही। और अभी तो मैंने शीशे बंद कर रखे हैं और एसी ऑन कर रखा है तो सही चल रहा है, पर वही है कभी चल जाती है सही कभी नहीं चलती, अपनी मर्जी के ऊपर चलती है ये। कुछ ना कुछ खराब हो रखा होगा जब ये ऐसी चलती है, ठीक करा लूंगा ना एक बार अच्छी तरह से तब सही चलेगी एकदम। पर यार मजा तो आता है इसे चलाने में सुबह सुबह, खाली रोड और आराम से चलाओ अपनी टाटा नैनो को। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ पेट्रोल पंप में, यहाँ से डलवा लेते हैं इसमें तेल। यार हवा तो मिल ही नहीं रही है कहीं भी, इस वाले पंप में भी नहीं है, सुबह सुबह हवा का वो खुलता ही नहीं है काउंटर, ऊपर से आज संडे है तो शायद और नहीं खुल रहा। बाकी देखता हूँ आगे एक दो पंप में और देखूंगा, लेकिन तेल डलवा लेता हूँ वरना गाड़ी बंद हो जाएगी हवा के चक्कर में। तो फाइनली तेल डलवा दिया है 1000 रुपए का, और 1000 रुपए में इसकी 4 डंडी ऑन हो गई है। एक मिनट इसका ना मीटर जीरो कर देता हूँ, ट्रिप इसकी रीसेट कर देता हूँ, रीसेट जीरो हो गई अब। तो देख लो 4 डंडी है 4। अब देखते हैं 1000 रुपए का तेल कितना चलता है। वैसे तो 15 के आसपास की माइलेज देती है दिल्ली में, और अगर हाईवेज पे चलाऊंगा तो 18-20 तक की दे देगी। अब चलते हैं हवा ढूंढते हैं, हवा डलवाते हैं इसमें। तो अब यहाँ से मैंने ले लिया है मूलचंद का पराठा, और अब देखो इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी है, पता नहीं कौन सी सॉस है, बाकी ये चटनी तो पहले से ही देते हैं, अचार और ये रायता सा है, और साथ में है ये पनीर पराठा। तो अब इसे खाते हैं उसके बाद चलते हैं अपनी नैनो को लेके वापस घर। और यार वो तो मिली नहीं हवा कहीं भी, तो अब मैं सोच रहा हूँ घर पे ही डलवा लूंगा, वहाँ पे भी दुकान है ना बहुत सारी हवा की, तो वहाँ से डलवा लूंगा। तो फाइनली अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए पराठे खा के। यहाँ से घर लगभग 12-13 किलोमीटर है, और यार पराठे उसके बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, मजा आ जाता है। अब जो उन्होंने नई चटनी ऐड करी है ना वो भी बहुत ज्यादा मस्त है, मजा आ गया, पेट भर गया थोड़ा सा। वैसे तो आज घर में भी पराठे ही बनते हैं संडे के दिन, लेकिन ये अच्छे पराठे होते हैं और ज्यादा। आलू के इनके इतने अच्छे नहीं होते, आलू के तो बेकार से होते हैं, पनीर के अच्छे लगते हैं मेरे को बस। बाकी मैंने 2 ही खाए हैं, आलू के खाए हैं और पनीर के खाए हैं, आलू के तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है, वो तो मत खाना गलती से भी, खाने हो तो पनीर के ही खाना। चलो अब चलते हैं, रेड लाइट भी आ गई सामने। तो फाइनली अब अपने एरिया में पहुंच चुका हूं मैं, अंदर आ गया मेन रोड से,
अब चलते हैं यार फटाफट घर, बहुत टाइम हो गया इसको चलाते चलाते। और अभी के टाइम तो एकदम परफेक्ट चल रही है, इंजन चेक लाइट भी जा चुकी है इसकी, एसी भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, पिकअप विकअप सब सही है, मिसिंग भी नहीं कर रही। और जो ये मैंने ये लगाया था ना, क्या बोलते हैं इसे, वाइड एंगल वाला मिरर, ये देख लो, ये वैसे मेरे को इतना काम का सा लग नहीं रहा, कभी कभी काम आ जा रहा है पर इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये उसको देख के ऐसा लग रहा है मैं 360 डिग्री जो कैमरा होता है ना उसकी फुटेज देख रहा हूँ, देखने में तो बढ़िया लग रहा है पर इतना भी ज़्यादा काम का नहीं है, कभी कभी आ सकता है काम। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर में ब्रेकर आते रहते हैं, गाड़ियाँ आती रहती है तो धीरे धीरे ही चलानी पड़ती है दूसरे गियर पे, और इतनी चलानी यहाँ पे सेफ है क्योंकि कुत्ते भी रहते हैं वो भी आ जाते हैं रोड पे, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, यहाँ के टर्न्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं। देखो दोबारा ब्रेकर आ गया, ये देखो, तो ब्रेकर यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पे बना रखे हैं ताकि लोग तेज ना चला पाए, और ट्रक वरक भी आते रहते हैं ऐसे, ये देखो जैसे ही गया ट्रक, और ये देखो अब डॉगी आ गए रोड पे। वैसे अब तो नैनो को भी मैं एक हाथ से चला देता हूँ, दो हाथ की जरूरत नहीं पड़ती अब, ये देखो, पर थोड़ी स्लो करनी पड़ जाती है। तो फाइनली अब पहुंच चुका हूँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, ये देखो यहाँ पे स्टेयरिंग कैसे हिलता रहता है, बहुत ज्यादा खराब रास्ते हैं यार यहाँ के, पता नहीं कब सही होंगे, हो ही नहीं रहे सही। ये देखो आपको पास से दिखाता हूँ, देख रहे हो कितने ज्यादा खराब हैं, ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है, बस यहाँ तक थोड़ा खराब है, अब यहाँ से सही है। चलो अब सीधा घर ही चलते हैं, अब घर नज़दीक आ चुका है और रोड पे भीड़ भी बढ़ गई अब। तो फाइनली नैनो को लेके घर आ गया, और ये देख लो इसकी इंजन चेक लाइट अभी तक बंद ही है, कभी कभी अपने आप सही हो जाती है, कभी कभी अपने आप खराब हो जाती है, अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ एक दो बार मिसिंग करी थी इसने, बाकी तो फिर बढ़िया ही चली है। ये जो इसकी गियर स्टिक है ना, इसे थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा जैसे स्टॉक आती थी है, क्योंकि ये ना ज्यादा ऊपर उठा दिया, जिसकी वजह से जैसे कोई बगल में बैठा होता है ना तो इस तरफ अगर मैं पहला गियर लगाता हूँ जो ऐसे करता हूँ तो लगती है उसके पैरों में, या तो उसे ना पैर ऐसे करके बैठना पड़ता है तब नहीं लगेगी, अगर वो ऐसे करके बैठेगा ना तो उसके पैरों में लगता है ये गियर, इसीलिए अगर आपके पास नैनो है तो ये वाली मॉडिफिकेशन मत कराना कभी भी, या तो फिर यही लगानी है आपको तो स्टॉक वाले में ही लगा लेना, छोटे में ही, बड़े में मत करना इसे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको भी। ये वाली मेन दिक्कत होती है पहले और दूसरे गियर लगाने पे, क्योंकि पहला गियर भी ऐसे करके ऐसे लगता है और दूसरा वाला भी ऐसे करके और ऐसे लगता है, तो इन दो ही गियर में दिक्कत होती है वैसे, और जो यही दो गियर हैं यही सबसे ज्यादा मेन होते हैं। बाकी अभी के टाइम पे मैंने टी शर्ट पहन रखी है महादेव वाली, तो अगर आपको भी ये वाली टी शर्ट खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो gymcosm.com पे जाके, वहां पे मेरा कूपन कोड यूज कर लेना Rawat30, तो उससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, बाकी शिपिंग फ्री है पूरे इंडिया में आप कहीं भी कराते हो तो। चलो अब इसे बंद कर देते हैं, मजा आ गया आज इसे चला के। ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ये मेरे को सबसे ज्यादा वर्स्ट मॉडिफिकेशन लगी टाटा नैनो की, बाकी सारी तो जो इसमें हो रखी है सही है, जैसे कि ये फैन लग रखे हैं ये भी बहुत काम आ जाते हैं, और यहाँ पे एम्बियंट लाइट लग रखी है, वैसे मैं यूज नहीं करता उसे लेकिन सही है फिर भी, एक मिनट जला के दिखाता हूँ, देखो ऐसे करके ऐसे जल जाती है। इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन भी है, इसका रिमोट आ रखा है लेकिन रिमोट के साथ सेल खत्म हो गए तो वो चलता नहीं है, यहाँ पे बटन है इसको प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाती है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये जल जाती है, ऐसे काम करती है ये वाली लाइट्स, तो रात के टाइम पे सही लगती है ये। चलो अभी तो फिलहाल बंद कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं बाहर, यहाँ पे इसमें कप होल्डर भी है, जो पुरानी वाली नैनो आती है ना एकदम पुरानी वाली उसमें नहीं मिलते ये कप होल्डर, लेकिन इसमें आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एक यहाँ रख सकते हो आप कप और एक यहाँ रख सकते हो, मैंने तो इसमें ये रख रखे हैं, बाकी यहाँ पे भी एक इसमें वो लग जाता है USB पोर्ट, और एक यहाँ पे क्या है ये ऑक्स है ये, लेकिन ये खराब हो गई इसकी ऑक्स, बाकी ये तो सही चलती है, पर ये भी बढ़िया स्टीरियो है सोनी का, ये देख लो सोनी का, और इसका यहाँ पे एंटीना भी लग रखा है जिससे रेडियो पकड़ता है क्योंकि नैनो में एंटीना नहीं आता, यहाँ पे इसमें फैन लग रखे हैं, ये तो बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कहाँ से लगवाए, कितने के लगेंगे, कैसे काम करते हैं, तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कितने के लगते हैं कहाँ से लगते हैं, क्योंकि मेरे को लगे हुए मिले थे अपनी नैनो में, बस ये ऑन करना पता है मेरे को कैसे ऑन करते हैं, इसके लिए आपको इग्निशन ऑन करना है, इग्निशन भी ऑन नहीं करना, बस एक बार चाबी घुमानी है उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे दो स्पीड है इसमें, एक अभी ये फुल पे चल रहा है, देखो फुल पे ऐसी आवाज़ आती है,
अब ये स्लो पे चल रहा है पहली स्पीड में। एक और बार घुमाऊंगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे बटन है इसका, ये ब्लू कलर का, देखो ये नीले कलर का बटन है। बाकी सारी तो सही मॉडिफिकेशन करा रखी है, बस ये गियर वाली मॉडिफिकेशन थोड़ी खराब है। अगर दो इंसान बैठते हैं आगे, लड़कियां बैठती है तो चल जाता है काम, क्योंकि लड़कियां थोड़ा पैर वैसे करके बैठती है, लेकिन जब लड़के बैठते हैं तो उनके पैरों में लगता है ये। और देखो जब से मैंने तेल डलाया है ना इसमें 13 किलोमीटर चल गई, और पेट्रोल की डंडी देखो 5 से सीधा 2 हो गई इसमें। इसके मीटर में ना दिक्कत है, जब भी चढ़ाई पे खड़ी कर देता हूँ ना मैं इसे, तो इसमें तेल कम हो जाता है। जब नॉर्मल प्लेन रोड पे आती है तो सही हो जाता है। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।